स्वराज बोम्मई, the honorable chief minister of Karnataka, who also acknowledged the presence of Pramoda Devi Odayar, the queen of Mysore, and the Yuvaraja Shri Yeduveera Datta Krishnaraja Odayar also. And he also gave a call for all citizens of Karnataka to take yoga seriously and then practice. This is the district in charge and the minister of cooperation, and Sudhakar, who is the minister of health and family welfare, also representing the state of Karnataka here. तो योग को स्मरण करने वाले Yes friends, now we are going to have the words from the inspiration for all of us, Sanmaniya Narendra Modi. Hello ji, Shri Yud Chamaraja Vadiyar ji, Rajmata Mantri, Desh aur Vishwa bhar ke sabhi वज्रासन सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं, जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों, हाथों को घुटनों पर रखें, सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्रासन कहते हैं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों, कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें, श्वास को अंदर खींचते हुए दर को जितना संभव हो सके प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों, सांस छोड़ें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले, सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाईं कंधे को स्पर्श कर ले, सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं, सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़े तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं, सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें, दो बार और दोहराएं। इस व्यायाम से इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें, श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें।